हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। इस वीडियो में हम तीन चीज़ का रिएक्शन दूंगा जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और दो चीज़ का मतलब अपडेट्स देने वाला हूं। तो जो अपडेट्स है मैं पहले दे देता हूं। तो पहला अपडेट जो है वो है रणबीर कपूर सौरभ गांगुली हमारे दादा के बायोपिक में एक्टिंग करने वाले हैं, मतलब सौरभ गांगुली का बायोपिक बनने वाला है। ये बहुत दिन से सुना भी जा रहा था कि इसके लिए कास्ट किसको किया जाएगा, ये कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ था, लेकिन अभी ऑफिशियल तरीके से ये कंफर्म हो चुका है कि सौरभ गांगुली का बायोपिक में रणबीर कपूर को लिया जाएगा। तो हमें लगता है कि रणबीर कपूर के अंदर वो पोटेंशियल है, जो सौरभ गांगुली का जो पर्सनैलिटी का जो एग्जीक्यूशन है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। अब दूसरा जो अपडेट है वो है हेरा फेरी 3 के बारे में। तो हेरा फेरी 3 के बारे में बहुत मतलब ये अभी बहुत दिन से सुना जा रहा था कि हेरा फेरी 3 का शूट स्टार्ट हो गया है, एक स्टूडियो में देखा भी गया है तीनों को एक साथ, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल जी को। तो मैंने भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने भी एक अपडेट दिया था। उसका दो दिन बाद ही, मेरे अपडेट के दो दिन बाद ही ऑफिशियली कन्फर्म हुआ कि डे वन का शूट हो चुका है हेरा फेरी 3 का। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि जब से सुना वो ट्राइव वापस आ रहा है, लेकिन जब डिसअपॉइंटमेंट मेरा हुआ, कहाँ पे हुआ, ये बहुत बड़ा सुनने वाला बात है, कहाँ पे मेरा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। आप कहेंगे कि हेरा फेरी 3 बन रहा, वो आइकॉनिक तीन कैरेक्टर्स वापस आ रहे हैं, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट क्यों हो रहा है? मेरे को इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो डायरेक्शन देने वाला है फरहत समझी। ये जब से मैं सुना हूँ, देखा हूँ कि फरहत समझी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तब से मतलब सच में मेरे को इससे जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था उतना ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। ये जब से मैं सुना हूँ कि इसको फरहत समझी डायरेक्ट कर रहा है। आप जानते हैं फरहत समझी का जो ऑस्कर डिजर्विंग जो मतलब है, जितना मूवीज़ है सब ऑस्कर डिजर्विंग मूवीज़ है, आप जानते ही है, हाउसफुल 4, बच्चन पांडे, मतलब क्रिंज, जितना क्रिंज कॉमेडी होगा ना इसमें, आप देखिएगा। मैं आज ये वीडियो बना लगा, आप डेट नोट कर लीजिए, हेरा फेरी 3 आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाला है, क्योंकि उस डायरेक्टर जो है उसका काम मैं पहले ही देख चुका हूँ, उसका जो क्रिंज कॉमेडीज़ है वो भी मैं पहले देख चुका हूँ। अब मुझे हेरा फेरी 3 से कुछ भी अब आशा नहीं रहा। इसको जो बनाने वाले थे, फिर हेरा फेरी जो पार्ट था, या फिर हेरा फेरी जो पार्ट था, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट प्रियदर्शन जी डायरेक्ट किए थे, सेकंड वाला पार्ट नीरज वोरा जी डायरेक्ट किए थे, उतना आइकॉनिक डायलॉग उस समय पे सब नीरज वोरा जी लिखते थे। अभी नीरज वोरा जी तो हमारे बीच में नहीं रहे, फिर भी मतलब देखिए हम लोग सब बुराइयाँ कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि फरहत समझी अपना बेस्ट वर्क इसमें दिखा दे। इससे प्रार्थना करूँगा कि फरहत समझी अपना जो क्रिंज कॉमेडी से उससे मुंह फेर ले, और अपना जो बेस्ट है ज़िंदगी का जो बेस्ट मूवी होने वाला है वो इसमें बना दे, क्योंकि ये मतलब एक फ्रेंचाइजी बेस्ड फिल्म है और इसका एक रिमार्क हो चुका है। ये जो हेरा फेरी जो है इसका एक रिमार्क हो चुका है कि अब अगर फैंस डिसअपॉइंट हो गए तो मतलब, और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मतलब ये था मतलब सबसे बड़ा डिसअपॉइंट करने वाला अपडेट मेरे लिए। अब जो मैं रिएक्शन दूंगा, उस पहला है गणपत का रिएक्शन। कल गणपत का सुमित काडेल नहीं, तरण आदर्श जी, गणपत का जो रिएक्शन टीज़र है वो अनाउंसमेंट टीज़र है। अनाउंसमेंट तो बहुत पहले हो चुका, अब उसका एक टीज़र टाइप का रिलीज़ हो चुका है गणपत का, पूजा एंटरटेनमेंट की तरफ से। तो देखिए देखने में लुक एंड फील जो है एकदम सैचुरेटेड लग रहा है, अच्छा खासा लग रहा है देखने में। लेकिन टाइगर श्रॉफ का जो हीरोपंती में जब से देखा हूँ, मुझे टाइगर श्रॉफ से उम्मीदें चला गया। मैं वर देखा था टाइगर श्रॉफ को, वहाँ पे एक्टिंग अच्छा था, मुझे अच्छा लगा था, बेहद पसंद आया था, लेकिन जब से हीरोपंती 2 देखा हूँ मेरे को मतलब टाइगर श्रॉफ से अब उम्मीद नहीं रहा। लेकिन तभी भी ये डिसेंट लगा मुझे, उतना भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का भी नहीं लगा और कुछ बहुत ज़्यादा भी ख़राब नहीं लगा। लेकिन वो जो अपना जो पैटर्न है ना टाइगर श्रॉफ को, उनको चेंज करना चाहिए, वो एक ही तरीके का एक्शन, एक ही तरीके का डांस इसमें अगर ना ही दिखाए तो ही बेहतर है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये अभी आने में बहुत टाइम है, तो मुझे उतना भी ख़राब नहीं लगा, उतना भी अच्छा नहीं लगा, एक डिसेंट टाइप का लगा है। दूसरा जो रिएक्शन है वो मार्टिन के टीज़र का रिएक्शन है। मार्टिन ये बहुत दिन पहले अनाउंसमेंट हो चुका था, ध्रुव सारजा जो बहुत बड़ा मतलब उसको एक्शन स्टार बोला जाता, ध्रुव सा उसका जो अनाउंसमेंट था वो देखा था, एक जेल से अनाउंसमेंट हो रहा है, मतलब पुलिस अनाउंसमेंट कर रहा है, मतलब मास सिनेमा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। आज जो टीज़र देखा तो मुझे जो एंट्री सीन है, यहाँ से जो बाइसेप्स वगैरह दिख रहा है, जो एंट्री सीन हो रहा है, उसके बाद जो एक्शंस वगैरह डिज़ाइन किया गया, बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन वैल्यू आप समझ ही सकते हैं। बॉलीवुड को मतलब उससे अगर दुगना तीन गुना भी पैसा दिया जाए
तो भी बॉलीवुड ऐसे एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। मतलब साउथ इंडस्ट्री अभी जो कर रहा है, मैं साउथ इंडस्ट्री के दलाली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी फैक्ट है, ये पूरा फैक्ट है ये। तो मार्टिन का टीज़र तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और देखने भी ज़रूर जाऊँगा। पैन इंडिया रिलीज़ भी होने वाला है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में रिलीज़ होगा, हिंदी में भी होगा। तो ये था मेरा मार्टिन का रिव्यू। अब है मिस्टर चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। तो रानी मुखर्जी का एक खासियत मुझे लगता है, वो जो जो स्क्रिप्ट चूज़ करती है, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का स्क्रिप्ट होता है। और सबसे बड़ा देखने वाला बात इसमें अनिर्बान भट्टाचार्य है, बंगाली इंडस्ट्री का। मतलब हमें उम्मीद है कि एक दिन बंगाली इंडस्ट्री को अगर कोई ऑस्कर दिला सकता है तो वो अनिर्बान है। तो वो दोनों हैं और उनका रोल को बहुत ज़्यादा भी हाईलाइट नहीं किया गया अनिर्बान जी का, फिर भी रानी मुखर्जी का मतलब जो स्क्रिप्ट चूजिंग है उनको मैं सलाम करता हूँ। क्योंकि ये देखने के बाद मुझे लगा वो टिपिकल टाइप का, उस टाइप का मतलब थोड़ा भी स्क्रीन प्ले में कुछ हमको नज़र नहीं आ रहा था कि इंटरेस्टिंग कुछ दिख जाए। लेकिन जब से वो टर्निंग हुआ, टर्निंग के बारे में बोलूँगा नहीं, आप जाके ट्रेलर देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर अच्छा लगेगा। और इस मूवी से मुझे उम्मीदें हैं, मर्दानी जो हिट हुआ था उसके बाद मर्दानी 2 भी हिट हुआ, अभी ये भी हिट होगा मैं बोल सकता हूँ। मतलब मुझे लग रहा है, मेरा प्रेडिक्शन है ये। और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का जो ट्रेलर आया, सच में बहुत ही अच्छा लगा। उसमें रानी मुखर्जी का जो मतलब परफॉर्मेंसेस है, ये आपको स्क्रीन पे में बांध के रखेगी। और इमोशनल साइड भी यहाँ से अच्छी तरह से कनेक्ट हुआ है, एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से हुआ है। तो ये था आज का कुछ अपडेट्स एंड रिएक्शन कुछ चीज़ों का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।